Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today where our topic of discussion is file access method. So aaj ke is video lecture mein hum kahin na kahin file access methods ko dekhne wale hain. Iske pehle ke video lectures mein humne files ke attribute, type, file access, file system structure ye sari cheeze dekhi hai. Now hamara ye purpose objective ye hai ki jo hamare paas disk ya hard disk available hai उस हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स फोल्डर्स बने हैं, फोल्डर्स में कुछ फाइल्स हैं, ये फाइल्स के कंटेंट को कैसे हम एक्सेस करें, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें फाइल एक्सेस मेथड जरूरी है, सो दैट हम उसको प्रॉपरली या इजीली एक्सेस कर पाए और उसका ट्रैक रख पाए. इसी के लिए हम फाइल एक्सेस मेथड को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो आइए सारा कुछ जानते हैं फाइल एक्सेस मेथड के बारे में. सो द एक्सेस मेथड्स अलाउ यूजर टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क, टेप ड्राइव्स एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस. तो टेप ड्राइव हो गए, डिस्क हो गया, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, उसके ऊपर से डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए, ये फाइल एक्सेस मेथड के थ्रू कहीं ना कहीं होने वाला है. दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि एक्सेस मेथड इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन और हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट मूव द डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइसेज. जब कभी भी एक या एक से ज्यादा डिवाइसेज के ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं डेटा को मूव करवाना है, तो उस समय पर फाइल एक्सेस मेथड बहुत ही जरूरी है. Apart from this, information in the file can be accessed in several ways, which may vary according to the system to system. मतलब ऐसा है कि system के हिसाब से कितने file systems को support करना, कितने file access method को support करना है, क्या क्या कौन सी operating system कितने file access method को support करती है, ये भी differ हो सकती है. जैसे sequential file system हमारे पास एक available है, जैसे random access available, sequential access available है, random access available है, other access method भी available है. और ये सारी जो चीजें हैं, some system provide only one access method and some provides all to access the files. तो ये depend करेगा कि system की configuration या system के क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं. यहाँ पर देखो एक एक हम देखने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सीक्वेंशियल फर्स्ट. तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मीनिंग ही वैसा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब एक के बाद एक. तो कहीं ना कहीं अगर बोलते हैं कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड, जिसमें कोई भी हार्ड नहीं है एक्सेस करने के लिए, कोई इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा. इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट, इट इज ईजी टू एक्सेस एंड इट इज वेरी सिंपलेस्ट. किस बेसिस पर ये चलेगा? तो हियर द डेटा ऑन द डिस्क कैन बी एक्सेस इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस. जो कोई भी ऑर्डर में जो डेटा रिटर्न हुआ है या जो सीक्वेंस वहां पर अगर है 1 2 3 4 +1 +1 करते करते n और n माइनस 1 और n करते जाएंगे, तो इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं हमें उसको डेटा को एक्सेस करना है. मतलब प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, ऑर्डर उसका फिक्स है, जो कुछ भी किया गया उसी ऑर्डर से हमें लेना पड़ेगा. अगर हम डायग्राम देखें तो गाइज यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5 up to 8. यहाँ पर अगर रीडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो पहला, उसके बाद सेकंड, उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इसके बाद पांचवा, ऐसे हम कहीं ना कहीं उसको रीड कर पा रहे, मतलब एक्सेस करवा रहे. यहाँ पर रैंडमली हम जाने की यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं. द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोस्ट कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक कंपाइलर्स एंड एडिटर्स आर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. तो कंपाइलर की अगर बात करें कि जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि लाइन बाय लाइन करता है, मतलब कभी भी जंप नहीं करता है. एक जंप होता है उसके बाद ही दूसरे, मतलब वो लाइन बाय लाइन करेंगे, जैसे मतलब वो एक के बाद एक करेंगे. वैसे तो लाइन बाय लाइन मतलब इंटरप्रेटर का काम है, लेकिन वो सिक्वेंसली हम जाएंगे. एडिटर से तो कुछ टाइप कर रहे हैं तो रैंडमली हम टाइप नहीं कर पाएंगे, हम टाइप करते करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं करते करते ही जाएंगे, उसमें स्पेस या कुछ ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होंगी जब तक हम नहीं देंगे तब तक. ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल एक्सेस का ही पार्ट है. रीड ऑपरेशन ऑफ द फाइल, फाइल रीड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फाइल और फाइल एंड ऑटोमेटिकली एडवांस द फाइल पॉइंटर विच ट्रैक एट द आईओ लोकेशन. मतलब जो पॉइंटर या रीड किया उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका एक पॉइंटर प्लस होके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो कुछ रहेंगी वो एक्सेस करेंगे रीड के लिए. वैसे ही सेम ऑपरेशन होगा राइट के लिए गाइस. सिमिलरली राइट ऑपरेशन अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल एंड एडवांस टू एंड ऑफ न्यूली रिटर्न डेटा. तो कहीं ना कहीं न्यूली रिटर्न डेटा भी है वो कहीं ना कहीं एक के बाद ही ये कहीं ना कहीं राइट होते जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज बेस्ड ऑन टेप मॉडल. जो हमारे पास जो डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस टेप मॉडल, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है. नाउ बेसिकली इट वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ रीड नेक्स्ट एंड राइट नेक्स्ट. मतलब क्या कि वन पे अगर हम है तो वन प्लस वन, मतलब क्या कि टू पे ही हम जाएंगे, उसके बाद प्लस वन करके थ्री पे ही जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट द रीड नेक्स्ट एंड राइट नेक्स्ट.
तो रीडिंग एंड राइटिंग के लिए कहीं ना कहीं जो कोई भी पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं उसके बाद का जो पॉइंटर रहेगा, उसके बाद का जो लोकेशन रहेगा उसके ऊपर ही हम कहीं ना कहीं जंप करने वाले। तो उसका एक यहाँ पर भी एक स्नैपशॉट अवेलेबल है जिसमें बिगिनिंग है, एंडिंग है, करंट पोजिशन पे है। तो हम रिवाइंड भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट भी कर सकते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसी सिक्वेंस में जाना पड़ेगा जिस सिक्वेंस में है। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस जो करेंगे वो इस डायरेक्शन में जाने वाले। जैसे हमारे पास रिमोट के ऊपर एक चैनल की या वॉल्यूम की बटन होती है, वॉल्यूम की बटन को हम इंक्रीज करते करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। चैनल हम यहाँ पर रैंडमली भी पुट अप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एग्जांपल हो सकता है उसका, जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस को जैसे वॉल्यूम की जो बटन है वहाँ पर हम अपने इसमें से वॉल्यूम हम स्टेप बाय स्टेप उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर या डिक्रीज कर। उसके कुछ मेन पॉइंट्स हमने जो दिखे अब तक पढ़े उसके मेन पॉइंट यहाँ पर है। अगर ये सिक्वेंशियल एक्सेस अगर है तो गाइस सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव वे हो सकता है कि हम सीक्वेंस में बीट को रीड कर रहे हैं, बीट को राइट, ब्लॉक को राइट, रीड और राइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर वे हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है बट बिकॉज यहाँ पर रैंडम एक्सेस या रैंडम जंपिंग यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसके ड्रॉबैक्स कुछ है इसलिए रैंडम एक्सेस मेथड आया है। तो रैंडम एक्सेस मेथड का और दूसरा एक नाम है डायरेक्ट एक्सेस एंड रिलेटिव एक्सेस मेथड। इसमें क्या होगा गाइस, द फील्ड लेंथ लॉजिकल रिकॉर्ड दैट अलाउ द प्रोग्रामर टू रीड एंड राइट रिकॉर्ड रैपिडली इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में कहीं ना कहीं हमें ये कंटेंट को रीड और राइट करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इस डायग्राम में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर है तो 1 से लेकर हम यहाँ पे 5 पे गए, 5 के बाद कहीं ना कहीं फिर से 3 पे आए, 3 के बाद फिर से 1 पे आए, 1 के बाद ऐसे कहीं ना कहीं हम इधर उधर कहीं रैंडमली मूव कर सकते हैं जिसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसे रिमोट के और एग्जांपल्स हम फिर से लेते हैं कि रिमोट के ऊपर जो चैनल बदलने की जो बटन से तो एक है, उसके बाद अलाव उसके नंबर देने की भी पोजीशन है। मतलब क्या कि अगर हम एक आधा रिमोट या कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते तो 10 नंबर, उसके बाद 12 नंबर, उसके बाद 100 नंबर, उसके बाद 200 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, ये कोई भी सॉन्ग प्ले करके हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसका एग्जांपल जो है यहाँ पर है, मतलब ये जो है डिस्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिस्क मॉडल ऑफ द फाइल सिंस डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक। मतलब हार्ड डिस्क हो गया, उसके ऊपर प्लॉटर है, फ्लॉपी डिस्क हो गई, उसके बाद सीडीज हो गए, ब्लू रे डिस्क हो गई, ये सारे जो है वो रैंडम एक्सेस को अलाउ करते हैं। मतलब क्या कि फास्ट एक्सेस होगा जिसमें रेफरेंस दिए जाएंगे, उसमें रिलेटिव नंबर्स दिए जाएंगे, रिलेटिव कुछ इंडेक्सेस रहेंगे और उस रिलेटिव इंडेक्स के हिसाब से हम कहीं ना कहीं उसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जा सकते हैं। फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज अ नंबर्स ऑफ सिक्वेंस और ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड्स, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी ऑर्डर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द डेटा फॉर दिस डायरेक्ट एक्सेस मेथड। सो ये कंस्टेंट यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये फास्ट बोली जाएंगी। दिस मेथड मोस्टली यूज फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन लाइक अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में अगर हमें कहीं ना कहीं, डेटाबेस में क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के हिसाब से वो कहीं ना कहीं रैंडमली एक्सेस कर पाएंगे जिसका पॉइंटर हमारे पास होता है। तो रैंडम एक्सेस के लिए, मतलब डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है, जो कि फास्ट है, जैसे डेटाबेस के एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। Then this methods works like the read and rather than the read next. तो इसके पहले मेथड में हमने क्या किया था, रीड नेक्स्ट किया था। मतलब क्या कि एक के ऊपर है तो उसके बाद दो के ऊपर जाएंगे, उसके बाद तीन के ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रीड एन, मतलब क्या कि एक के ऊपर अगर है तो इसमें एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 एनी रैंडम वैल्यू कैन बी पुट अप ओवर देयर, दैट्स व्हाई इट इज रीड एन। और राइट ऑपरेशन में भी राइट एन, यहाँ पर दोनों चीजें हैं रैंडम, हम किसी भी पोजिशन पे जाके उसको ऑपरेशन कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये हो गई कहीं ना कहीं गाइस रैंडम एक्सेस की बारी। तो तीसरी जो मेथड हमारे पास है अदर एक्सेस मेथड, और उसको इंडेक्स एक्सेस मेथड कहा गया है। तो इंडेक्स एक्सेस मेथड में क्या 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 होता है कि जनरली अदर देन डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड देयर कैन बी अदर एक्सेस मेथड्स आर अवेलेबल व्हिच इज डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड के टॉप पे भी कहीं ना कहीं कुछ मेथडोलॉजी अवेलेबल है टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑन द डिस्क। तो ये है इंडेक्स मेथड, जिसमें दिस मेथड जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स फाइल। अभी इंडेक्स फाइल मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस इंडेक्स फाइल में कुछ जो रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड के नाम और उसके रेफरेंस आएंगे, मतलब उसका पॉइंटर आएगा, पॉइंटर के हिसाब से उसके डिटेल रिलेटिव फाइल में हम जा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे हम गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, कोई भी सर्च इंजन हम यूज कर रहे हैं, तो उनके क्या हो रहे हैं, इंडेक्स बने हैं। इंडेक्स बने हैं तो इंडेक्स में क्या होता है, मैपिंग है। मैपिंग के साथ साथ हम कहीं ना कहीं फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हम किताब में देखते हैं पहले पन्ने के ऊपर इंडेक्स होता है, इंडेक्स के ऊपर लिखा होता है लेट्स से What are the methods of the file access? The file access method. Page number, let's say 13. तो पेज नंबर 13 के ऊपर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना है, हमारे पास इंडेक्स के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंडेक्स ओनली शो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड। सो दिस इज व्हाट द इंडेक्स। द इंडेक्स फाइल कंटेंट द पॉइंटर ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स, जो कि ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। टू फाइंड अ रिकॉर्ड इन फाइल वी फर्स्ट सर्च इन द इंडेक्स
एंड देन वी यूज द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल्स। यहाँ पर अगर इसी डायग्राम में जाएंगे तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर इंडेक्स फाइल है जहाँ पर कुछ P1, P2, P3, P4 ऐसे कुछ प्रोग्राम्स मान के चलिए। इसके प्रोग्राम्स के बारे में ये नाम से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जाएंगे तो इस पोर्शन में यहाँ तक ऐसे कुछ उसके रेफरेंस रहेंगे। ओके, यहाँ से इस रेफरेंस या पॉइंटर जिसको बोलते हैं पी, लेट्स से PTR, ये PTR पॉइंट कर रहा है कि उस रिलेटिव फाइल्स को, रिलेटिव फाइल में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, ये रिलेटिव फाइल में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं। तो क्या होगा कि ये इंडेक्स फाइल जो है ये मास्टर इंडेक्स फाइल हो सकती है, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं इंडेक्स फाइल के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये डिपेंड करेगा कि क्या साइज का डेटा हमारे पास मेंटेन करना है, उसके हिसाब से इंडेक्स की फाइल की लेंथ साइज बढ़ सकती है, उसकी हायरार्की भी बढ़ सकती है। दिस मेथड यूजफुल व्हेन वी वांट टू मर्ज द मोर फाइल्स इन द इंडेक्स स्ट्रक्चर। ये इंडेक्स स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारे मर्ज करना चाहेंगे तो उस समय पर ये काम आएगा, मतलब बहुत लार्ज इन्फॉर्मेशन मुझे मेंटेन करनी, तो एक ही फाइल में अगर मेंटेन करेंगे दैट वुड वेरी बल्की, तो बल्कि अगर रहेंगे तो एक्सेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रक्चराइज वे करना पड़ेगा। जैसे लाइब्रेरी में इंडेक्स हो गए, किताब में इंडेक्स हो गए, किसी और जगह इंडेक्सेस है, कुछ मैप पे कुछ सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं, जैसे कोई ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम किसी सेंटर पे जाते हैं तो बाहर हमें कहीं ना कहीं हमारे रोल नंबर, हमारे लिस्ट किस किस लैब में हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से यहाँ तक है जो कि इस ब्लॉक में चाहिए, उसके बाद हम जाके ऊपर उसको चेक करवा सकते हैं। दिस मेथड अलाउज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फाइल बिकॉज पॉइंटर कंटेंट रेफरेंस टू द फाइल। जैसे हमने पहले बोला इंडेक्स फाइल कैन बी वेरिड इन मल्टीपल लेवल, जब मैं ये मैंने पहले बता चुका है, मोस्ट ऑफ द फाइल्स इन ऑन द इंटरनेट हैव अ यूज एट डेटाबेस सच एज विच आर कैटेगराइज इन द इंडेक्स फैशन। तो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उसको इन इंडेक्स फॉर्म में अवेलेबल है, जो सर्चिंग में बहुत ही फास्ट हमारे पास आएंगे। वी नीड टू मेंटेन द रेफरेंस ऑफ द रिलेटिव फाइल्स एज रिलेटिव फाइल्स कंटेन द एक्चुअल कंटेंट। ओके, तो रिलेटिव फाइल के रेफरेंस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा कहाँ पे, इंडेक्स फाइल में, जो कि उसको पॉइंट करके हम रिलेटिव फाइल में जा सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हम ले सकते हैं। देन इट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ स्पेस एज इट कैन लोड रन टाइम। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स फाइल को लोड करना है, और इंडेक्स फाइल में से मान के चलो कि 10 रिकॉर्ड इंडेक्स फाइल में है, मतलब 10 रेफरेंसेस है, 10 में से 10 मुझे लाना नहीं है, एक उसमें से एक रन टाइम जिसकी रिक्वायरमेंट लगेंगी उसको हम कहीं ना कहीं कॉल करेंगे और उसी को लोड करेंगे, तो रन टाइम लेवल की एक्टिविटी है। दिस मेथड सर्चिंग ऑफ डेटा कैन बी डन इन अ फास्टर वे ड्यू टू इट्स फाइल अरेंजमेंट। सो यहाँ पर प्रॉपरली अरेंजमेंट जैसे अल्फाबेटिकल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सेव्ड है, तो कहीं ना कैटेगराइजेशन अवेलेबल है, तो एक्सेस के लिए फास्ट है। दिस एक्सेस मेथड आल्सो कॉल्ड एज इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। मतलब इंडेक्स जो बना है वो उसके बाद सिक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं और रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते गाइस, एग्जाम्पल में क्या है, की पॉइंट्स के बारे में जान कर लेते हैं। की पॉइंट्स में क्या है, इट कंट्रोल द पॉइंटर बाय द इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स, इट कंट्रोल द पॉइंटर बाय यूजिंग इंडेक्स। Here the index contains the pointer to the various blocks of the file. Then so to find a record inside a file, we first search the index and then we use the pointer obtained to access the file directly and find the record we have been searching for. The index ka example dekh lete guys. Example mein aisa hai ki yahan par dekho logical records hai, jisme kuch index hai. Index mein pehla naam hai, uske baad number hai. Ek naam hai Adams hai, Arthur hai, Asher hai, Smith hai. इसका एक रेफरेंस यहाँ पे है, एक रेफरेंस पॉइंटर है स्मिथ का, तो स्मिथ के बारे में अगर हम उसमें जाना है तो उसके रिलेटिव फाइल में जाना पड़ेगा। रिलेटिव फाइल में इन्फॉर्मेशन क्या है गाइस, कि चलो स्मिथ के पॉइंटर पे चलते हैं, स्मिथ में क्या, स्मिथ है, जॉन है, उसके बाद उसका सिक्योरिटी नंबर है, उसके बाद उसका एज है। ऐसे ही मान के चलो कि अगर एखादा स्टूडेंट है यार, एक आधा हमने स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट लेट से स्टूडेंट रोल नंबर लेट से 1, स्टूडेंट रोल नंबर लेट से 1, तो स्टूडेंट के रोल नंबर 1 में जाएंगे तो लेट से उसका नाम आएगा, उसका नाम आएगा, उसका सरनेम आएगा, उसका लेट से एज आएगा, उसके लेट से ब्रांच आएंगी, लेट से उसका कहीं ना कहीं दूसरा सेक्शन आएगा, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। और उसको अगर एक्सटेंड करना है तो उसमें मान के चलो कि यहाँ पर इस पॉइंटर में एजुकेशन नाम की फील्ड डाल दी, एजुकेशन यहाँ पे अगर पूरा का पूरा नहीं आ सकता है तो उसको क्या करेंगे, फिर से एक रेफरेंस देंगे, मतलब लेवल 2 का इंडेक्स बनाएंगे, लेवल 2 के इंडेक्स में उसका पॉइंटर दे देंगे, और उसके बाद एजुकेशन में क्या करेंगे, लेट से डिप्लोमा 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, डिग्री है, एमटेक है, PhD है, ये कुछ ऐसे मेंटेन करते जाएंगे। तो ऐसे हर एक हायरार्किकल लेवल में उसको मेंटेन करके जा सकते हैं। तो ये हो गया गाइस की पूरी सारी जानकारी इंडेक्स एक्सेस मेथड के साथ, जिसमें एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं हम रेफरेंस पॉइंटर ढूंढेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट के पॉइंट करके हम रिलेटिव इन्फॉर्मेशन में जाके उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव इंडेक्स जो इंडेक्स मेथड जो होती है ये कहीं ना कहीं डेटाबेस में बहुत ही ज़्यादा यूज होती है गाइस। तो ये कहीं ना कहीं उसका फास्ट एक्सेस हम रखना है, तो उसका एक सब्जेक्ट डेटाबेस अलग से सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। तो हमने ये वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा,
फाइल एक्सेस मेथड, जो कि फाइल के कंटेंट को कैसे किस वे से एक्सेस कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी ली। उसको तीन टाइप्स हमने पढ़े, सिक्वेंशियल हो गया, रैंडम हो गया और इंडेक्स हो गया। आई होप गाइज ये तीनों चीजें आपको समझी होंगी। थैंक यू सो मच।